जाए तो मीटियोर में हीटिंग इश्यूज भी नहीं है। वहीं अगर बात की जाए अपाची की तो एज सच इतना कंफर्ट नहीं है अपाची में, और में आपको हेलोजन मिलेगा विद DRL, तो अपाची माइलेज में जीत जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो क्या हाल चाल है सबके? तो आज देख सकते हो अपने पास दो बाइक्स हैं, तो इसको सभी लोग जानते ही हो, ये तो अपनी खैर अपनी धन्नो है ही, TVS अपाची RR310 द स्पीड डीमन, और ये वाली रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 अपने निशित भाई की है। तो एक क्विक कंपैरिजन लेते हैं दोनों ही बाइक्स का, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ 300cc क्लास की हैं। तो अगर CC's की बात की जाए तो ये करीब करीब 350cc की है, और करेक्ट फिगर्स की इसकी बात करें तो 313cc का इंजन मिलेगा। वहीं अगर पावर की बात करें तो 24 से 26 BHP विद 27 Nm का टॉर्क मिलेगा इस अपाची में आपको। मीटियोर की अगर बात करें तो 20.2 BHP विद 27 Nm ऑफ टॉर्क। तो अगर टॉर्क देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों का बिल्कुल ही सेम टू सेम है, हालांकि इसका जो टॉर्क है 27 Nm का वो अर्बन मोड में है। अगर हम इसको स्पोर्ट्स या ट्रैक मोड में डालेंगे तो टॉर्क इसका बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। वहीं अगर BHPs की बात करें तो मीटियोर में 20.2 BHP मिलेगा, और अगर अपाची की बात की जाए तो BHPs में ये गाड़ी आगे निकलेगी। हालांकि इंजन की CC की बात करें तो ऑब्वियसली बात है यार, 350cc है, कहाँ 313cc। तो एनफील्ड में आपको ज़्यादा CC का इंजन मिलेगा। आगे चलते हैं, तो राइडर की बात की जाए अगर, तो राइडिंग कंफर्ट या राइडिंग पोस्चर की बात करें तो ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड में एक अच्छा खासा राइडिंग पोस्चर मिलेगा। वहीं अगर अपाची का राइडिंग पोस्चर इज़ ऑन एग्रेसिव साइड, अपाची का राइडिंग पोस्चर हालांकि कंफर्टेबल है स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एग्रेसिव है। वहीं अगर पिलियन की बात की जाए तो देख ही सकते हो बैक रेस्ट मिल रहा है, और ग्रैब रेल भी मिल रही है दोनों तरफ, तो पिलियन को भी अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा। वहीं अगर अपाची की बात करो तो एज सच इतना कंफर्ट नहीं है अपाची में, और एक साइड ही आपको ग्रैब रेल मिलेगी, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। हालांकि स्पोर्ट्स बाइक है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्रूज़र की बात की जाए तो उतना राइडर और पिलियन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, हालांकि इसमें आप लगेज भी लोड कर सकते हो, अगर राइडर और पिलियन दोनों ही लोड कर सकते हैं इसमें, आप अगर सिंगल जा रहे हो तो ही एक अच्छा खासा अमाउंट का लगेज आप लोड कर सकते हो। बात की जाए अगर टायर्स की तो आगे का टायर थोड़ा सा छोटा मिलेगा एज कम्पेयर टू अपाची RR310। वहीं अगर पीछे वाले टायर की बात करें तो वो भी थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको, पीछे उसमें 140/70/17 टायर मिलेगा। वहीं अगर अपाची की बात करें तो इसमें आपको 150/60/17 का टायर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं लुक्स की। तो भाई अभी तो ये स्टॉक लुक है, और इसका स्टॉक लुक कुछ ऐसा दिखता था पहले, हालांकि इसको बाद में रैप कराया गया है, जानते ही हो MS रैप से, थैंक्स टू कामिल भाई। जल्दी हो सकता है कुछ और मीटियोर में नया देखने को मिले, बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर और आगे बढ़े स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए या फीचर्स की बात की जाए तो मीटियोर में आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलेगा, जिसमें आपको डिजिटल भी मिलेगा और एनालॉग का भी ऑप्शन मिलेगा। वहीं अगर अपाची की बात करें तो यहाँ का आपको कंप्लीट LED डिस्प्ले मिलेगा, और अगर फीचर्स की बात करें तो अपाची में आपको बाई LED टेक्नोलॉजी की आगे लाइट्स मिलेंगी विद कंप्लीट LED सेटअप। हेलोजन्स की बात करें तो मीटियोर में आपको हेलोजन मिलेगा विद DRL, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अपाची की बात करें तो कंप्लीट आपको DRL मिलेगा बाय LED टेक्नोलॉजी, अच्छा खासा एक आपको लाइट्स में मिल जाएगा। इंडिकेटर्स की बात करें और बाइक लाइट की बात करें तो उसमें भी आपको कंप्लीट LED सेटअप मिलेगा। मीटियोर की तरफ अगर बढ़े तो इंडिकेटर्स और बाइक लाइट में भी आपको हेलोजन सेटअप ही मिलेगा। वहीं आगे चलते हैं, अगर शॉकर्स की बात की जाए तो भाई मीटियोर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा आगे, और अपाची में आपको USD फोक्स मिल जाएंगे। अगर पीछे के सस्पेंशन की बात करें तो मीटियोर में आपको डुअल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएंगे, अगर अपाची की बात करें तो मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा आपको पीछे, हालांकि इस साइड से हो सकता है एग्जॉस्ट ना दिखे। पर्सनली मुझे मीटियोर का एग्जॉस्ट ज़्यादा पसंद आया, TVS कंपनी अपाची का एग्जॉस्ट और इन्हेंस कर सकती थी, पता नहीं क्यों नहीं किया। फुटरेस्ट अगर बात की जाए तो एक काफ़ी स्ट्रीमलाइन फुटरेस्ट मिलेगा आपको मीटियोर में, और अपाची में आपको एक अपराइट पोजीशन का फुटरेस्ट मिलेगा। मेंटेनेंस की बात करें तो लगभग दोनों ही गाड़ियों में अराउंड सेम मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, हालांकि सिटी राइड्स में
अपाची आपको 28-29 मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा 30 का माइलेज देगी। वहीं अगर मीटियोर की बात की जाए तो लगभग लगभग इसका भी माइलेज सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों को विश्वास ना हो, अगर टूरिंग पे प्रॉपर तरीके से आप राइड कर रहे हो तो अपाची माइलेज में जीत जाएगी, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी लंबी लंबी राइड्स की हैं और अपाची ने मुझे 36 से लेके 41 तक का माइलेज दिया है। वहीं निशित भाई से मैंने पूछा कि मैक्सिमम माइलेज कितना मिला, तो निशित भाई ने यही बताया कि 32-33 मैक्स, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं मिला। हालांकि कुछ प्लस पॉइंट्स हैं मीटियोर के, जैसे कि वाइब्रेशंस बहुत कम है, हायर आरपीएम पे सभी जानते हो कोई भी गाड़ी होगी वाइब्रेशंस देगी वो, तो मीटियोर में उतना वाइब्रेशंस नहीं है। हीटिंग इश्यूज़ की बात की जाए तो मीटियोर में हीटिंग इश्यूज़ भी नहीं है। वहीं अगर बात की जाए अपाची की, तो अगर आप 5 मिनट ट्रैफिक में खड़े हो गए तो गाड़ी का फ़ैन चालू हो जाएगा, गाड़ी हीट करने लगेगी। वाइब्रेशंस की बात की जाए तो अपाची में अच्छा खासा वाइब्रेशंस है, पता नहीं क्यों टीवीएस ने अभी तक इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया है। तो अगर यही बात चल रही है तो जान लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। म्यूटियोर में आपको 15 लीटर का टैंक मिलेगा, अच्छी खासी कैपेसिटी मिल रही। वहीं अगर अपाची की बात करें तो एक 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, हालांकि 10 तक ही आता है, एक लीटर फ्यूल वो रिजर्व रहता है। तो ऑल इन ऑल अगर बात करें दोनों ही गाड़ियों की रेटिंग की, तो 10 out of 9 मैं अपाची को भी रेट करूँगा, 10 out of 9 मैं मीटियोर को भी रेट करूँगा। क्यों, मैं रीज़न ही बता दे रहा हूँ। अपाची में थोड़ी हल्की है क्योंकि फाइबर बॉडी है, लेकिन वाइब्रेशंस और हीटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। वहीं अगर बात की जाए मीटियोर की, तो अगर वेट की बात की जाए तो वेट के मामले में थोड़ा बहुत ही गाड़ी मात खाएगी। और एक चीज़ और है, रॉयल एनफील्ड को अब समय आ गया है LED सेटअप की ओर शिफ्ट करना चाहिए, ये एक काफ़ी अच्छा अपडेट रहेगा। हालांकि जितने भी रॉयल एनफील्ड ओनर से मैंने उनसे बात करी, उन्होंने यही बताया कि रॉयल एनफील्ड को अब LED सेटअप दे देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्संस मैंने देखे हैं वो आफ्टर मार्केट LED सेटअप इंस्टॉल करवाते हैं, हेडलाइट में माइनस लाइट्स लगवाते हैं, HJG की लगवाते हैं, आप किसी भी कंपनी लगवाएं। तो अराउंड ये कुछ रहा दोनों ही गाड़ियों की रेटिंग्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि हो सकता है किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो उसका कुछ और रिव्यू रहे। तो अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ और कहना चाहो तो कमेंट कर देना, या फिर किसी भी और 2 bikes या 3-4 bikes का भी कंपैरिजन देखना हो तो कमेंट करके बता सकते हो, किसी को सजेस्ट करना चाहो तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइज़।